तो हेलो बैंकर्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स को लगभग एक मंथ बचे हैं। तो इस एक मंथ में जो हम लोग एक इनिशिएटिव लिए हैं आपके लिए, आज के सेशन में हम मॉडल ए की जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं, केस स्टडी हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं BFM को लेकर, क्योंकि BFM का पेपर 13 जुलाई को है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सेशन को पूरा देखिएगा, और अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे जरूर करें सब्सक्राइब। आइए जरा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं जल्दी में। ऐसे तो मैंने ऑलरेडी बताया अपने पेड कोर्स में, आज यहां बताते हैं, ठीक है। हमें 4 कंपलसरी पेपर देना होगा आपको जून में, जिसमें से पेपर 1 ABM, पेपर 2 BFM जो मैं लीड करूंगा, पेपर 3 ABFM एंड पेपर 4 विच इज कॉल्ड BRBL। इन चारों पेपर में जो सेकंड पेपर है विच इज कॉल्ड BFM, इसमें लगातार देखा जा रहा है कि जो IBF है बहुत चेंजेस कर रहा है। तो हमें बहुत अपना टॉपिक को पहले करना होगा स्टॉर्म। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट रहेगा, रिवीजन नहीं करेंगे, तो एक बात याद रखिए, सिर्फ MCQ काम नहीं करेगा। तो जिन्होंने भी अपने आप को एनरोल नहीं किया, एनरोल करिए पेड कोर्सेज में, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं टॉपिक, और यहाँ करिए ओनली प्रैक्टिस, ठीक है एवरीवन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं होते हैं हॉलीवुड के कोर्सेज में, एक नॉर्मल जो एनीबडी कैन बियर। और मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब आप करेंगे रजिस्ट्रेशन June 2024 के लिए, अगर आप नए यूज़र हैं या आप अगर पुराने यूज़र भी हैं और अगर अभी तक आपने अपना पेपर क्वालिफाई नहीं किया, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सबसे जो इजी होता है वो होता है HRM इलेक्टिव पेपर में। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसका 40% सिलेबस तो आप ABM में कवर कर लेते हैं, उस रिस्पेक्ट में यहाँ थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। तो पहले पर मैं रखूँगा HRM, दूसरे पर रखूँगा रूरल बैंकिंग, तीसरे पर रखूँगा IT एंड फोर्थ पर रखूंगा सेंट्रल, एंड फिफ्थ में रखूंगा रिस्क। सबसे लास्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना लीजिए, बट रिस्क मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा हाई काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इलेक्टिव पेपर इज ए फिफ्थ पेपर, तो उसमें आप बहुत इजी स्कोर कर पाएंगे अगर आपने चूज़ किया HRM। तो सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप एक वीक की तैयारी में HRM में बहुत ईजिली 60+ स्कोर कर पाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा CIB के ओवरऑल स्कोरिंग में, ठीक है। चल गाइस, BFM में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके मॉडल है, उसमें मॉडल ए को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो वेटेज मैं कहूँ आपको, जो मैंने 2 एग्ज़ाम को एनालाइज किया पहले के कंपैरिजन में, तो करीब 35% इसका वेटेज है। जरा सोचिए, 35 नंबर तक के क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आते ही फिक्स है, एकदम गारंटी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चाहे वो एक्सचेंज रेट को हो, चाहे वो LRS को लेकर हो, चाहे NRI अकाउंट को लेकर हो, मैंने इस पर एक सेशन भी किया था, अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर देखिए कि हाउ वी स्कोर 60+ इन BFM पेपर, उस सेशन को जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस वीडियो के लिंक को यहां पर कर दूं पिंग एवरीवन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल बी आपका है विच इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें आपके एल्टमान जेड स्कोर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसके बाद बेसिस पॉइंट वैल्यू, देर आर सो मैनी केस स्टडी एंड देयर आर सो मैनी न्यूमेरिकल। तो अगर आपने ए और बी को बहुत अच्छे से कवर किया, तो बिलीव करता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो यहाँ से दोनों मिला के इसका जो वेटेज भी है वो 35% वेटेज होगा एवरीवन, है ना। ओके, देखिए अजय सर हमारे कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसका लेवल जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है अजय सर, एवरीवन, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, होगा, बट इसका लेवल बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सो
मॉडल ए और मॉडल बी को हम लोग बहुत डिटेल में लेके चलेंगे एवरीवन, है ना। गुड इवनिंग तृप्ति, हाउ आर यू? तो सभी लोगों को नमस्कार एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड वेलकम। नाउ जो आपका सबसे इजी मॉडल है वो मॉडल सी है, है ना। जहां से इसका भी जो वेटेज अगर हम कहें आपको, तो यहां भी 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं गुड इवनिंग सभी लोगों को। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी आपको मिलेंगे जो आपने पहले कवर कर लिए, जैसे डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो पहले से आपने इसको पहले पढ़ा होगा बी और ए दोनों में, तो क्वाइट ईजियर होगा आपके लिए। नाउ जो मॉडल डी है ना, ये इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, इसका वेटेज भी कहें तो 20 से 25% होगा। जैसे कैपिटल नॉर्म्स आप पहले ही पढ़ लेंगे मॉडल बी में, उसके बाद लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप ऑलरेडी मॉडल बी में पढ़ के आएंगे, आर ए आर सी आप पहले ही पढ़ के आएंगे, आई आर आप पहले पढ़ के आएंगे। तो मॉडल डी का जो वेटेज है और जो बर्डन है बहुत कम होता है। अगर मैं बी एफ एम को सिक्वेंस में डालूं तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है मॉडल ए को, उसके बाद मॉडल बी को, उसके बाद मॉडल डी को, उसके बाद मॉडल सी को, ये सिक्वेंस आपका होना चाहिए एवरीवन। इस बार आप देखिए एग्जामिनेशन में एनपीए पर कितनी प्यारी, मतलब कितनी वेल्दी केस स्टडी पूछ दी उसने मॉडल डी से, तो हम लोग इसको भी लेके चलेंगे। तो भाई सभी लोगों का अगेन वेलकम। अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करिए, नहीं तो आपके अकाउंट में ये वीडियो सेव नहीं होगा गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारा जो मॉडल ए है, इट इज ऑल अबाउट, इट इज, हाय मिलिन गुड इवनिंग वेलकम, इट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट। पूरा इसमें फॉरेन पे ही है, फॉरेक्स को ही लेकर है। तो कहते हैं कि आपका वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमोडिटी करते हैं, हम क्रॉस बॉर्डर करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम सामान बेचते हैं, हर जगह आपको टर्म आएगा विच इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। भाई इंडिया में तो रुपीज हमारा INR है और हम घूमने जा रहे हैं US से, तो वहाँ रुपीज तो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ भी रुपीज काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, तो मैंने तो एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, हमें पैसा वो देंगे डॉलर, लेकिन यहाँ पर डॉलर क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें करना होगा करेंसी को एक्सचेंज। क्या करना होगा? एक्सचेंज, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इम्पोर्ट करते हैं कुछ, तो हमें अमेरिका से हमने इम्पोर्ट किया, तो अमेरिका को क्या हम रुपीज़ देंगे तो वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या हम यूके को रुपीज़ देंगे तो मानेंगे? तो हमें करना होगा एक्सचेंज, यानी कि कन्वर्जन फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, ठीक है। और इसी जब हम कन्वर्जन करते हैं करेंसी को फ्रॉम वन करेंसी ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर विल बी जनरली रिक्वायर फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। यहीं से हमारा फॉरेन एक्सचेंज की शुरुआत हो जाती है, इट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज के समय में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पर ऐसा कोई इकोनॉमी ना हो जो कहे कि नहीं मैं तो कुछ ट्रेड ही नहीं करता हूं, हमारे ऐसे कोई कंट्री में कोई जाता ही नहीं है, ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो नाउडे एवरीवेयर, चाहे ट्रेड की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, टूरिज्म की बात करें, वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें करेंसी को कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा, है ना। हाय अनुकृति गुप्ता जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम, है ना। नाउ अब कंसर्न ये है कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा हमारे देश में एक पहले एक्ट था जिसका नाम है, ये भी हम लोग अभी करेंगे आगे, आज तो बस शुरुआत किया है मैंने, फेरा। तो एक बात याद रखना, फेरा और फेमा सर इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर।
जो फेरा था वो भी फॉरेन एक्सचेंज था 1973, और जो फेरा है 1999 ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज, बट उसका काम था रिजर्व करना और इसका काम है मैनेज करना। यानी आज के समय में अगर आप ये कहो कि अपने बच्चे को आप घर से कहीं बाहर ही ना जाने दो, कहो कि बस घर में ही सीखो, क्या ये पॉसिबल है? क्या उसका सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज अभी प्रेजेंट में चल रहा है 1999, उसके सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज किसको कहते हैं। तो एक तो आपकी कोई भी फॉरेन करेंसी हो गया, दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नाउ कोई भी डिपॉजिट होता है, क्रेडिट इन बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, एनी ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी और पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, हम इसे भी फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, है ना? या कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ द ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ एनी अदर पार्टी देयर टू आइदर इन इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी और पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अदर, यानी जिसे हम पे जिसके माध्यम से पेमेंट भी हम करते हैं आइदर फॉरेन करेंसी और आइदर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म, तो अब इसे भी फॉरेन एक्सचेंज। बस ये दो आप लोगों को याद कर लेना, ये दोनों बेसिक परिभाषा है गाइस, नंबर वन एंड नंबर टू, ठीक है? एकदम लोग आराम से चलें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा पहले थ्योरी देन गो फॉर द एमसीक्यू। और डेली आप लोगों के लिए रहेगा चैलेंज, डेली आप लोगों के लिए रहेगा चैलेंज एवरीवन, ठीक है? चल आओ उसको और इजी करते हैं। इन अदर वर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड इन अनदर करेंसी एट एग्री रेट ऑन अरेंज बेसिस। मतलब कहने का भाई $1 ले लो और हमें 70 रुपीज दे दो, एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया दोनों में कि डॉलर लो रुपीज दो, या हमने कहा रुपीज लेके हमें डॉलर दे दो। इट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो एक्सचेंज रेट मतलब क्या डिनोट करता है? एक ऐसा प्राइस या एक ऐसा रेशियो या वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। मैंने क्या कहा कि अगर आपको हमसे एक डॉलर खरीदना है तो आपको हमें देना होगा 70 रुपीज, या आपको अगर 70 रुपीज खरीदना होगा तो देना होगा $1। यही तो है प्राइस, यही तो है रेशियो, यही तो है एक वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। नाउ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी, यूनिट मतलब जैसे डॉलर की एक यूनिट हो गई और रुपीज की 70 यूनिट्स हो गई, विच आर एक्सचेंज फॉर गिवन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, ठीक है? नाउ $1 इज इक्वल टू 84.4200। एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको हमेशा जब भी हम करेंसी की बात करेंगे, एक्सचेंज वैल्यू की बात करेंगे ना, तो आपको 4 डेसिमल तक आपको याद रखना है, वैल्यू को काउंट करना है। अगर आपने 4 डेसिमल तक काउंट किया तो ये आपको हेल्प करेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। या हमने कहा 1 यूरो इज इक्वल टू 1.0 यूएस डॉलर, जैसे भी हो, डॉलर खरीदे रुपीज दो डॉलर खरीदो, ठीक। एक पॉइंट आता है, कहते हैं एक फ्रिज है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, और क्लास लेते लेते तक एक कॉफ़ी जो मेरे हाथ में उसकी कीमत है 100 रुपये, और वो हो जाएगी रखते रखते 104 रुपये। ये इतना डायनेमिक है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कि हर सेकंड पे ये चेंज होता है और हो सकता है। तो ये इतना डायनेमिक है कि डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड डिपेंड करेगा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पर, बहुत सारे फैक्टर भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना, जिसके बिहाव पर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। मुझे कमेंट करिए पहले, यहाँ तक सभी लोगों को, यहाँ तक
कहीं कोई डाउट? ओली बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूट्यूब पर भी आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपको पेड में मिलता है, बट ये अंतर होता है कि पेड में हम सिक्वेंस में चलते हैं, ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, एक टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहां हमारे पास समय की कमी होती है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं उतना मुझे सपोर्ट आपका भी चाहिए। इस बार डेली 10 PM पे जुड़ना है और अपना स्कोर हमें बताना है वीडियो के नीचे कमेंट करके, जिससे मुझे पता चले आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ना। चलिए, तो इस मार्केट में कौन कौन है, क्या आप और हम लोग हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसमें हम भी हैं, बिजनेस एंटिटीज भी होती हैं, बैंक भी होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक भी होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो देश के बाहर पैसा लगाते हैं लेते हैं, है ना, पेंशन फंड भी होते हैं, स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, सारे मेंबर्स इसमें, और इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कोई बाउंड्री नहीं है, एंड ऑपरेट अराउंड द क्लॉक बिटवीन कंट्री, यानी कि ये जो मार्केट है ना ये 24 आवर ओपन रहता है, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये कभी क्लोज नहीं रहता। इंडिया में क्लोज हुआ तो अमेरिका में ओपन है, अमेरिका में क्लोज हुआ तो इंडिया में ओपन है, इंडिया में ओपन है तो यूके में क्लोज है, और अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन में काम करता है, इन विच वेरियस कंट्री आर लोकेटेड। सो फॉरेक्स मार्केट एक्सटेंड फ्रॉम टोक्यो एंड सिडनी इन द ईस्ट, ऑपरेट थ्रू हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, बहरीन, फ्रैंकफर्ट, लंडन, पेरिस, न्यूयॉर्क इन द वेस्ट, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं। इसलिए मैंने कहा ना ये मार्केट जो है ना डायनेमिक है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये मिनट टू मिनट चेंज होता है और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। तो इन सभी पार्टिसिपेंट को अगर हम याद करें तो कैसे याद करेंगे? देखिए, नंबर वन सबसे पहले दी आर द मेजर पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ फॉरेक्स मार्केट को, है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट को, ओके, सबसे पहले सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट फंड बैंक, है ना, ये सब क्या करते हैं, आपसे पैसा लेना, एक्सपोर्टर, इन्वेस्टमेंट, भाई सभी को, भाई मुझे यूएसए में ट्रेड करना है, मुझे यूएसए में चाहिए $1,00,000, तो हम खुद से तो नहीं ले पाएंगे, तो हम थ्रू इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा आएंगे, ब्रोकर से लेंगे, कॉरपोरेशन, हम घूमने जा रहे हैं, हम हाई रिस्क कस्टमर हैं, हमें किसी को ट्रेवल करना है, हमें पढ़ाई के लिए पैसा भेजना है, तो ये सारे जितने भी हमारे हैं ना, ये इन सारे को हम लोग कहते हैं दे आर द पार्टिसिपेंट। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यूजिंग फॉरेक्स मार्केट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, पर्सनल, ट्रेवल एंड टूरिज्म, यानी इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड है, मतलब पार्टिसिपेंट है, एवरीवन। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वन, फॉरेक्स मार्केट, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है ये इतना ज़्यादा डायनेमिक है, ऑन एन एवरेज
द एक्सचेंज रेट ऑफ मेजर करेंसी लाइक पाउंड और डॉलर ये फ्लक्चुएट करते हैं एवरी 3 to 4 seconds में, यानी अभी जो हम वैल्यू देख रहे हैं 70 INR का, हो सकता है कि 4 seconds बाद इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव में हो जाए, है ना, या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाए और या तो इसकी वैल्यू निगेटिव में हो जाए. एवरीवन नाउ इट मे बी, अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू 65 rupees में हो जाए या 80 में हो जाए, यानी हर 4 seconds में ये चेंज हो सकता है. तो उस रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि दिन भर में ये 21,600 times ये चेंज हो सकता है. गेटिंग एवरीवन? है ना, ये हो सकता है. नाउ तो आज फर्स्ट डे है, थ्योरी पार्ट हमने कवर किया. नाउ इट्स टाइम टू MCQ. देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है एंड आपने कितना चीजों को समझा. एवरीवन, एक इंफॉर्मेशन मैं सभी लोगों को ये देना चाहता हूं कि अगर आप एकदम फ्रेश यूजर हैं और आपके चारों पेपर और ओरलिटी पेपर क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको सभी लोगों को कहता हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइस, और जिसका नाम है CIB सुपर एलीट. ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है होली बोर्ड का. मतलब इसमें अगर आप कहते हैं कि आपके चारों पेपर, इलेक्ट्रिक पेपर, सारे लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें PDFs, इसमें आपके ई नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा एज पर योर वैलिडिटी. और मैं मानता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान फॉर CIB ऑन ओली बोर्ड. इसमें कुछ दोबारा पेड नहीं करना है और बहुत एक नॉर्मल फीस इसमें रखी गई है. एक ऑफर है जो आज रात 12 PM एंड हो जाएगा. आप मुझसे जुड़िए. उपाध्याय जी, हर 4 seconds में अगर चेंज होता है तो 1 minute में कितने सेकेंड होते हैं? 60, यानी 15 times चेंज होगा. ठीक है, कितने सेकेंड? 60. और आवर कितना होता है? 24. ओके हार्दिक जी, नाउ गेटिंग? इसका मतलब क्या हुआ? तो इस बैच, इस प्लान को जरूर इनलोड करें, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको. और अगर आप अभी यूज करेंगे कोड आज बैच के बाद तुरंत राजीव, तो ये प्लान आपको मिलेगा 40% ऑफ में. और उनके लिए जो बहुत डिमांडेबल था, मेरे पास लगातार क्यूरी आ रही थी कि सर मेरा BFM बचा है ओनली, तो ओनली फॉर BFM, जिसमें मेरा BFM फाउंडेशन बैच, नंबर 2 BFM का क्रैश कोर्स, नंबर 3 BFM का केस स्टडी बैच, नंबर 4 BFM का क्रैकर बैच, ऑल इन वन बैच, तो वो लाइव हो चुका है. और यहाँ पहली क्लास आपकी होगी 6 January को, 2 days बाद. यानी आपने अगर सिर्फ आपका सिर्फ BFM बचा हुआ है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान. नो नीड टू बाय सुपर इलीट प्लान, इसमें सब कुछ है. इसमें मैं, मतलब ये मेरी कमिटमेंट है, अगले 6 months तक मेरे जितने भी कोर्स आएंगे BFM को लेकर, वो सबका एक्सेस आपको यहां मिलेगा. तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है गाइस. आज जैसे ही 12 PM ऑफर एंड हो जाएगा, तो आज 12 PM के पहले आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा. 40% ऑफ होगा. विजिट करिएगा olibord.in, कोर्स टैब में जाइए और वहां आपको मिलेगा ऑल इन वन बैच, और ये आपको मिलेगा बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम दोनों में. ठीक है, चलिए आंसर जल्दी से. आज फर्स्ट डे है तो मैंने आज क्वेश्चन एकदम आसान रखा है गाइस. टुमारो से क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे एवरीवन.
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एक प्रकार का ये रीजनल मार्केट है, क्या ये डोमेस्टिक मार्केट है, क्या ये ग्लोबल मार्केट है, और क्या ये लोकलाइज एक्सचेंज मार्केट है? तो यस, इट इज ए कॉल ग्लोबल मार्केट, ये एक प्रकार का ग्लोबल मार्केट है। ठीक, ग्रेट। नाउ द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिनोट व्हाट एज वेल एज द ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। मुझे बताइए दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ मेजर करेंसी फ्लक्चुएट एवरी व्हाट सेकेंड, कितने सेकेंड्स में ये जो रेट्स हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं, बताइए एवरीवन। देखिए, द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिनोट फॉरेन करेंसी एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। और जो एक्सचेंज रेट है मेजर करेंसी का, वो हर 4 सेकेंड में फ्लक्चुएट करता है। तो आंसर यहां क्या होगा, 4 सेकेंड। ग्रेट। नाउ अब जरा ध्यान से, जो फॉरेक्स हमारा मार्केट है एक डायनेमिक मार्केट है, राउंड द क्लॉक मार्केट है। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है गाइस? एवरीवन, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स? इट इज ट्रू, इट इज फॉल्स? तो मेरा ये क्वेश्चन है, ट्रू क्यों है? बिल्कुल, इस मार्केट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस मार्केट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इट इज ट्रू, फॉरेक्स मार्केट आर नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में जो पॉलिसी डिजाइन कर रही है मोदी गवर्नमेंट, उसके कारण कभी अफेक्ट ना हो? बिल्कुल होता है। जरा सोचिए, इमेजिन करिए, अभी कितना फेथ है हमारे मार्केट में, अगर मोदी गवर्नमेंट 2024 में नहीं आती है तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा टूटेगा, वो यहां से करेंसी पुल आउट करेंगे, तो जो हमारा एक्सचेंज रेट होगा सर, वो डाउन होगा इमीडिएट। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। चलिए, द एक्सचेंज रेट इज डायनेमिक रेट विच वेरी फ्रॉम डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड, या ऑल। जल्दी से तो बिल्कुल ये है, चलिए बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, ऑल। नाउ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मेन फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, एक आपका हो गया टेक्निकल, एक आपका हो गया स्पेकुलेशन, और तीसरा क्या है, इन्वायरमेंटल, फंडामेंटल, प्रीमियम, डिस्काउंट। मतलब क्या है, जरा समझिए, इंडिया में थ्रू माइक्रो कारण लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वीक हो गया, हमारा जीडीपी वीक हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण कभी कभी आपके इकोनॉमी में जो आपका एक्सचेंज रेट है ना, वो अफेक्ट करता है। इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल रीजन। नौ दूसरा, वी स्पेकुलेट करते हैं ब्रोकर कि रेट बढ़ेगा घटेगा वॉट एवर, इट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। और कभी कभी हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना, वो डिसीजन लेता है, इट इज कॉल्ड टेक्निकल रीजन। तो तीन तरीके होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल।
नाउ नेक्स्ट वन, जब भी हम बात करेंगे द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज टू डिनोट एंड एज वेल एज व्हाट ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, डोमेस्टिक करेंसी या करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज, करेंसी करेंसी या एक्सचेंज और करेंसी, बताइए जल्दी से। The term foreign exchange is used to denote foreign currency as well as exchange of one currency into another. Okay, great, nice. जैसे ये करेंसी डेरिवेटिव है ना, जैसे देखिए आज की वैल्यू इसमें चेंज हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ, 0.25%। ऐसे ही करेंसी एक्सचेंज वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव। द फिक्सिंग ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वन करेंसी एंड अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ सम अदर करेंसी इज डन बाय अ मेथड नोन एज, क्या कहेंगे इसे, डायरेक्ट रेट कहेंगे, इनडायरेक्ट रेट कहेंगे, चेन रूल कहेंगे, या इनमें से क्या नहीं कहेंगे, नन, बताइए। जैसे ये लिखा हुआ है $1 इक्वल टू 70 INR रुपीज, या लिखा हुआ है 1 INR इक्वल टू 0.40, या समझिए तो जो पहला हमारा है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेट, दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट रेट। जब हम होम करेंसी को बेस मानते हैं और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट रेट। जब फॉरेन करेंसी को बेस मान के हम अपनी करेंसी को चेंज करते हैं इसे कहते हैं डायरेक्ट रेट, ठीक है। अब जरा सोचिए कि हमें यूरो खरीदना है, हमें यूरो चाहिए और यूरो और रुपीस का एक्सचेंज रेट हमें नहीं मिल रहा है तो क्या करें। एक आसान सा तरीका, हमारे पास रुपीस हैं लेकिन डॉलर और यूरो का रेट है हमें पता, तो हमने क्या किया, पहले खरीदा डॉलर और फिर डॉलर से खरीद लिया हमने यूरो, इसे कहते हैं क्रॉस रेट, इसे कहते हैं क्रॉस रेट, क्या कहते हैं क्रॉस रेट, या इसे कहते हैं चेन रूल, द आंसर इज थ्री, ठीक है, ओके। यानी कि जिस रेट हमें, जब रेट नहीं मिलता है तो हम क्रॉस करके रेट निकालते हैं और उसे कहते हैं क्रॉस रेट, ठीक है एवरीवन। नाउ दिस इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द डेट ऑन विच ए पेमेंट ऑफ फंड और एनी एंट्री टू एन अकाउंट बीकम एक्चुअली इफेक्टिव और सब्जेक्टिव टू इंटरेस्ट, इट इज नोन एज आर्बिट्रेज, टर्म रेट, वैल्यू डेट या नन, क्या होगा। तो इट इज नोन एज वैल्यू डेट, जिस डेट पर हमारा पेमेंट सेटलमेंट होता है उसे क्या कहेंगे, इट इज नोन एज वैल्यू डेट, ठीक है। टर्म क्या होगा, जैसे आज की डेट है, मान लिया कि है ही आज 3 जनवरी है, तो हमने आपसे कहा कि हमें दीजिए $1,00,000, आपने कहा कि आपके अकाउंट में टुमोरो रिफ्लेक्ट करेगा, इसे कहते हैं T+1 विच इज कॉल्ड टर्म रेट, ठीक है। मान लीजिए न्यूयॉर्क में जो वैल्यू है किसी स्टॉक का वो है 40.50 और इंडिया में किसी स्टॉक, उसी स्टॉक का वैल्यू है 44.55, कितना डिफरेंस है, ओनली 5 पैसे का। तो हमने वहां से खरीदा और यहां बेच दिया। जब कोई इन्वेस्टर ब्रोकर किसी भी सेम सिक्योरिटीज को लो से खरीदता और हाई में बेचता है टू गेट द प्रॉफिट, यानी कि साइमल्टेनियसली वो जल्दी से खरीदेगा और बेचेगा, इसे कहते हैं आर्बिट्रेज। यह आंसर हमारा होगा वैल्यू डेट।